सीआरएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की एग्जाम डेट आ गई है। और दोस्तों इसी के साथ साथ बहुत सारे भाइयों के एडमिट कार्ड निकल भी गए होंगे, और जिन भाइयों के एडमिट कार्ड नहीं निकले होंगे तो मैं बता दूं आप जल्दी से जाकर के अपने एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल इस पे है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल का फायरमैन का आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एग्जाम सेंटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर से आप एक डॉक्यूमेंट्स में भी कमी करते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपकी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके बारे में मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इसके साथ साथ अभी जो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पुराने जैसा ही रहने वाला है या फिर कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ, ये भी बताने वाला हूँ। और नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होने वाली है ये भी बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के एक एडमिट कार्ड के डेमो के ऊपर, और वहाँ पर मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या लेकर के जाना है सीआईएसएफ कांस्टेबल के फायरमैन एग्जाम सेंटर में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा, दो रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो ले जाना है आपको। तो दोस्तों दो रंगीन पासपोर्ट आकार की जो फ़ोटो आपके पास होंगी तो आपको जो है वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेकर के जाना है। अब दूसरी बात में बोला गया है मुद्रित ई प्रवेश पत्र के प्रश्न की एक की मैंने जो प्रश्न नंबर एक है उसकी दो प्रतियां, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है उसका जो पेज नंबर एक है उसकी आपको दो फोटो कापी लेकर के जाना है। और इसके साथ साथ नीचे में क्या बोला गया है, मूल पहचान पत्र जैसा कि नीचे निर्देश में बताया गया है। तो मूल पहचान पत्र में आप जो है अपना आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, इसके साथ साथ आप दोस्तों अपना पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, जो आपका हो वो ले जा सकते हैं, और इसके साथ साथ 10th की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। और बहुत सारे भाई का डाउट होगा कि मेरा जो आधार कार्ड है और एडमिट कार्ड में नाम गलत है, तो मैं आपको बता दूं आप 50 रुपये के एफिडेविट पर लिखवा कर ले जा लीजिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने देंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। अब उसके बाद अगला बात आ जाती है कि और क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर पारदर्शी नीला काला ब्लैक पेन, यानी ऐसा पेन आपको ले जाना है जो जिसके जो आर पार देखा जा सकता है। तो सिंपली मार्केट में आता है सिंपली वाला, वही पेन आपको लेकर के जाना है। तो ये चार डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, उसके साथ आपका जो जो एडमिट कार्ड है उसका पेज नंबर एक की दो फोटो कापियाँ, उसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड या पेन कार्ड ले जाना है, उसके साथ साथ एक पेन लेकर के एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। अब इसके बाद दूसरी बात आप पे आ जाते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर में है इस बार जो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस बार जो है सिलेबस, बहुत सारे भाई कोई डर में होगा कि कहीं सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव मार्किंग पहले जैसी है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस सेम है। मैथ्स आपका 25 नंबर का आएगा, आपकी रीजनिंग भी एज इट इज़ 25 नंबर की आएंगी, आपका जीके कितने नंबर का आएगा, ये जीके जीएस भी 25 नंबर का आएगा, और इसके साथ साथ बता दूँ आपकी जो हिंदी है हिंदी भी आपकी 25 नंबर की आएगी। और इसके साथ साथ अब रही बात, एक बात यह आ जाती है कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, तो एग्ज़ाम होने वाला है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और इसके साथ साथ रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी कुछ भी नहीं होने वाली है, 100 में से 100 नंबर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बात ये भी बता दूँ कि जितने भी भाई सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये भी डाउट होगा कि समय कितना मिलेगा, तो बता दूँ 2 घंटे का समय यहाँ पर मिलने वाला है, यानी 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं, तो भरपूर समय है, आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। और रही बात आपको बता दूँ जो भाई सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी कर रहा है, तो उनको बता दूँ कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के जैसे ही SSC GD का भी सिलेबस होता है। तो दोस्तों SSC GD 2024 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और 28 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर से आप SSC GD 2024 की तैयारी करना चाहते हैं और SSC GD के लिए बेस्ट बुक देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आई है, जिसमें 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और उसके साथ साथ 5 सॉल्वर्ड पेपर दिए गए हैं। ये चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड है, आपको बता दूं चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड के साथ साथ अपनी जो है चक्षु पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट की भी बुक प्रोवाइड करता है। तो आप जो है चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट वाली गाइड, ये दोनों जो है बुक को लेकर के अपना सिलेक्शन जो है कन्फर्म कर सकते हैं और SSC GD में एक सीट को अपनी कन्फर्म कर सकते हैं। अगर से आप ये बुक लेना चाहते हैं तो बता दूं इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे वहां से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसे ऑफलाइन अपने नज़दीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी तो पूरी प्राप्त हो गई होंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट्स में दो आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है और उसके साथ साथ रंगीन फोटो लेकर के जाना है, उसके साथ साथ आपको अपना जो एडमिट कार्ड होगा उसका पेज नंबर 1 की
दो फोटोकॉपी लेकर के जाना है और आधार कार्ड या जो है पैन कार्ड लेकर के जाना है और जो है एक अपने साथ पेन लेकर के जाना है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा और क्या डाउट है आपके। और दोस्तों मैं कभी तो नहीं बोलता हूँ लेकिन बोल रहा हूँ कि अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ।